आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिस्कशन कर रहे थे, फोर टाइप्स होती है, लेकिन अपने लिए एक टास्क था। एसी एनालिसिस किया अपन ने, डीसी एनालिसिस किया, लेकिन जो ट्रांजिस्टर अपने पास था उस ट्रांजिस्टर को जो अपन इनपुट प्रोवाइड करवा रहे थे, जिसको वी इन वन या फिर वी वन बोल रहे थे, और ये किसी रेजिस्टेंस के सहारे दे रहे थे, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, आर बी वन। अपना टास्क ये है आर बी वन का मान क्या है, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ एक ट्रांजिस्टर था। अपने टॉपिक पे मूव करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, पहले पूरा समझते हैं अच्छे से। इस तरफ भी ट्रांजिस्टर था, इनपुट प्रोवाइडिंग हेयर, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था वी इन ट्रू, रेजिस्टेंस था आर बी टू, ओके। यहाँ कनेक्शन किया हुआ था, रेजिस्टेंस यूज होते हैं बाइसिंग के लिए, ठीक है, प्लस पीसीसी, और इस तरफ एक रेजिस्टेंस लगा था जिसको अपन आर ई बोल रहे थे। तो अपन ने कर क्या लिया, अपन ने ये देख लिया कि यहाँ ये बैटरी है, इनकी मदद से डीसी एनालिसिस कैसे होता है, और रेजिस्टेंस और वोल्टेज की टर्म जो यहाँ लगी है उनकी मदद से एसी एनालिसिस कैसे होता है। अब अपन बार बार कह रहे थे कि ये जो इनपुट वाले रेजिस्टेंस है वो लगभग अपन इक्वल मान के चल रहे होते हैं, ठीक है ना। आज अपना टास्क है, चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे, कि इस आर बी वन और इस आर बी टू का मान वाकई में बराबर होता है, ठीक है, और वो मान होता कितना है। उसके साथ साथ अपना एक टास्क और था कि इन टर्मिनल्स के ऊपर अपन आउटपुट फाइंड आउट कर रहे थे, तो आउटपुट भी किसी रेजिस्टेंस के सहारे फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, ये भी अपना टास्क रहेगा कि यहां आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, जिसको अपन कितना ले सकते हैं, इमेजिन दैट आर नॉट मीन्स आर आउटपुट। तो सो वी कैन से टुडे आवर टास्क इनपुट एंड उधर से अपन थोड़ा समझते हैं पहले कि करना क्या है अपने को इस टॉपिक में, ठीक है ना। और इधर जो काम होता है वो इस डेरिवेशन का एज ए आप सार मान सकते हो कि यहां जो अपन ने समझा है फाइनली अपन वही स्टेप फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जो भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उनमें इनपुट और आउटपुट जो अपन निकालेंगे वही यूजेज होने। तो किसी को आपको यही मिलेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है जी। चलते हैं अपन, थोड़ा सा पहले समझिए कि करना क्या है आखिर इस टॉपिक में। आपको आर फाइंड आउट करना है, सबसे सिंपल रूल होता है ओम्स लॉ, वी इक्वल आई आर। यहां से आर यदि अपने को निकालना है वी अपॉन आई, वेरी सिंपल। अब बात यह है कि मैं इधर वाला रेजिस्टेंस लेऊं, मींस यदि आर बी वन लेऊं तो यहां वोल्टेज क्या प्रेजेंट है जी, वी इन वन, और यहां पर जो पासिंग करंट है वो क्या होती है, आई बी वन, ठीक है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अपने पास है, लेकिन अपन ने पढ़ लिया एक टास्क, अपन ने इमेजिन किया था कि बीटा जो फैक्टर था वो आई ई अपॉन आई बी था। एकदम धीरे धीरे से समझेंगे ताकि अच्छा समझ आए, जल्दीबाजी में हमेशा दुर्घटना कर बैठते हैं। यहां से आई बी आई ई अपॉन बीटा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में अपन लेके आएंगे तो आई बी वन इक्वल आई ई वन अपॉन क्या हो गया जी, बेटा। मीन्स अपन इस इक्वेशन में आर बी वन इक्वल वी इन वन, आई बी वन की जगह वैल्यू पुट अप करें तो आई ई वन अपॉन बीटा क्या लिख सकते हैं जी, आर बी वन इक्वल बीटा इंटू वी इन वन, फर्स्ट वाला इनपुट है, डिवाइडेड बाई आई ई वन। मीन्स अपन ने नॉर्मल कैलकुलेशन की और ये मेजर किया कि यहां पर रेजिस्टेंस का मान
कितना था, ठीक है, समझना है अपने को, सिस्टमेटिकली पूरा भी पढ़ेंगे अपन। अब इसी प्रकार यदि मैं इस तरफ चलूं तो आर बी वन की जगह आर बी टू आ जाएगा और आई ई वन जहां आ रहा है वहां आई ए टू आ जाएगा। समझ आ रही है बात? मीन्स अपन इनपुट रेजिस्टेंस दो निकालेंगे, इधर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस तरफ का रेजिस्टेंस निकालेंगे। निकालने का तरीका आपको पता लगा। अब यहां से आगे कैलकुलेशन अपन कैसे करें, आराम से कर सकते हैं। एसी एनालिसिस अपन इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां आई ई वन का मान एसी एनालिसिस से पुट अप कर दीजिए, अपना आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी रहती है, अपन सिस्टमेटिक पूरा डेरिवेशन पूरा करते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। फ्रॉम सर्किट डायग्राम टू इनपुट प्रोवाइडिंग एट ट्रांजिस्टर टी वन एंड टी टू, ठीक है। ट्रांजिस्टर इमेजिन कर लिया टी वन, ये रफली क्यों बनाए, क्योंकि पहले अपन अच्छे से समझ चुके हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स अपने हुए हैं वहां पे अपन ने अच्छा सा डिस्कशन इनका किया है। समटाइम्स वेट, अब यह एक खास बात आपको बताएं, जब भी आप वन की कैलकुलेशन करोगे तो टू को जीरो मान के चलोगे, कैसे जी, देखिएगा। यदि आई की वैल्यू आपको चाहिए तो वी अपॉन आर, अब मैं आई फर्स्ट वाले की तरफ निकाल रहा हूं तो आई वी वन, ठीक है, तो ये क्या रहेगा v इन वन या v वन लिख सकते हो अपॉन r b वन, लेकिन ये मान है कहां, इनपुट अपन इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर वाले को अपने को नहीं लेना होता, मींस आगे वाला जो है v इन टू उसको इक्विवेलेंट जीरो मानते हैं। इसी प्रकार उस तरफ जब कैलकुलेशन करें तो आई बी टू इक्वल v इन टू अपॉन r b टू बट v इन वन इक्वल, समझ आई ये वाली बात। जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो इधर जो वोल्टेज है उसको अपन जीरो के इक्विवेलेंट लेंगे, इधर कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये वोल्टेज इस पर इफेक्ट ही नहीं डाल रहा, ठीक है ना, तो अपना कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए आगे, सो फ्रॉम ओम्स लॉ इनपुट फर्स्ट इनपुट वोल्टेज एट ट्रांजिस्टर टी वन इफ वी इन टू इक्वल जीरो, ले लीजिए वी इन वन इक्वल करंट फ्लोविंग आई बी वन, नो प्रॉब्लम, वोल्टेज वी इन वन इफ वी इन टू इक्वल जीरो, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे, वी कैन कैलकुलेट आई बी वन इक्वल यहाँ आर आर बी वन, ठीक है ना, आई बी वन इक्वल वी इन वन अपॉन आर बी वन इफ v इन टू इक्वल जीरो, ये इक्वल टू वैसे जीरो नहीं है, इस पॉइंट पे ये वाला वोल्टेज जीरो, इसको कोई इक्वेशन अपन वन ले लेते हैं, इसको अब अपन आई ए की टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। मेनर आपको बताया हुआ है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अपने को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, तो यहाँ से आप आर बी वन की यदि वैल्यू निकालो तो वी इन वन अपॉन आई बी वन एट v इन टू इक्वल, अपन निकाल रहे हैं, यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट इनपुट वोल्टेज, ये वाला मान अपन मेजर कर रहे हैं, ओके। समटाइम्स वेट और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन है टॉपिक का, रिजल्ट तक अपन पहुंचेंगे तो अपन क्या ये मेजर करेंगे कि दोनों जो इनपुट वोल्टेज है उनकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, ये अपने को मेजर ही तो करना है। नेक्स्ट टर्म, बट रिलेशन बिटवीन
IE and IB, beta equal IE upon IB, in over term beta equal IE1 upon IB1. Okay, we calculate here IB1 equal IE1 upon beta. This is equation 1. Take this is equation 2. Put in 1. क्या फाइंड आउट रहेगा? आर बी वन इक्वल वी इन वन डिवाइडेड बाई आई बी वन रखिए, तो आई ई वन डिवाइडेड बाई बीटा एट वी इन टू इक्वल जीरो. ठीक है, चलिए आगे. बीटा अपवार्ड चला गया, आर बी वन इक्वल बीटा वी इन वन डिवाइडेड बाई आई ई वन एट v into equal 0. Equation third means अपन ने जैसे तैसे करके रेजिस्टेंस को IE के पदों में फाइंड आउट कर लिया, हुआ अपना इतना काम. ठीक है, चलते हैं आगे. अब देखिए आगे सॉल्यूशन अपने को करना, तो आपको बताया गया था IE1 अपन ने फाइंड कर लिया था, बट वी नो दैट SE एनालिसिस वाला लेक्चर है प्लेलिस्ट में, दिक्कत है तो आप विजिट करिएगा. But we know that I E1 equal, अपने जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी जी, V1 R E dash plus R E minus R E V2, okay, divided by R E dash plus R E का स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर. क्या ये अपने टर्म में है? अपन वी वन की जगह क्या लेके चल रहे हैं, वी इन वन, वी टू की जगह वी इन टू, तो अपनी टर्म में ले आइए, नो प्रॉब्लम. आई ई टू इक्वल इसकी जगह वी इन वन आर ई डैश प्लस आर ई माइनस आर ई वी इन टू डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर. यदि वी वन और वी टू अपन लेके चलते तो अपन सीधा वैल्यू पुट अप कर देते. दिस इज कैन टेक इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर पुट इन इक्वेशन थ्री. ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरा. इक्वेशन फोर पुट इन थ्री, क्या मिल जाएगा अपने को, आर बी वन इक्वल बीटा वी इन वन डिवाइडेड बाई आई ई वन, वन है ये टू नहीं है, ठीक है ना, वी इन वन आर ई डैश, ये नॉर्मल एरर होती है, ठीक है ना, प्लस आर ई. जब आप क्लास में रहते हो तो बता देते हो कि ये एरर हो गया, यहाँ पे वो आता है, ठीक है ना. नेक्स्ट नीचे टर्म ये वाला आ जाएगा, आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर. लेकिन ये मान है कब, जब वी इन टू इक्वल जीरो. एक स्टेप और लिख लेंगे अपन, नीचे वाले को कहाँ ट्रांसमिट कर देंगे, ऊपर, ठीक है ना. समटाइम्स वेट, ये वक्त भी तो अपना ही है. चलिए आगे, आर बी वन इक्वल नीचे वाले को ऊपर, तो बिट्टा वी इन वन अपोन वी इन वन आर ई डैश प्लस आर ई माइनस आर ई वी इन टू. फर्स्ट टाइम जब आप डेरिवेशन करो तो ये मेरी आपको एक सजेशन है कि आराम से कीजिएगा, एक्यूरेसी आने लगे तो आप स्पीड ले लीजिएगा. नीचे वाला ऊपर चला गया, तो आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर.
कहाँ पे है जी ये वैल्यू, v इंटू इक्वल जीरो। अब अपना काम क्या है कि v इंटू की जगह आप जीरो पुटअप कर दीजिए, जो वैल्यू निकल रही है उसका आप एनालिसिस से कीजिए। देखिएगा आर बी वन इक्वल बीटा, यहाँ से अपन देखें तो वी इन वन का वी इन वन में डिवाइडेशन वन टाइम, वहाँ पे क्या रहा आर ई डैश प्लस आर ई का स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हेयर, यहाँ पे एक टर्म रह जाएगी। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा चलिए आपके दिक्कत है तो नेक्स्ट आगे वाले टर्म में कर देंगे। वी इन वन आर ई डैश प्लस आर ई माइनस वी इन टू क्या है मेरे पास जब मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो एज ए जीरो, तो ये टर्म जीरो होगी। दैट मीन्स आर बी वन इक्वल वी इन वन बीटा आर ई डैश प्लस आर ई का स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इन वन आर ई डैश प्लस दिस इज वन टाइम, दैट मीन्स आर बी वन इक्वल बीटा आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन और कर लेते हैं। जैसा मैं फर्स्ट का काम कर रहा हूं सेम यही काम सेकंड वाले के लिए होगा। समटाइम्स वेट और क्लास को अंत तक देखिए। आर बी वन इक्वल बिट्टा, एक बार प्लस लिख दीजिए एक बार माइनस लिख दीजिए, लेकिन अपन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर है तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस टू आर ई, ठीक है, विथ आर ई डैश माइनस आर ई स्क्वायर नो प्रॉब्लम डिवाइडेड बाई हेयर आर ई डैश प्लस आर ई। ठीक है, ये वाला टर्म चला गया, क्या रहा अपने पास टू नहीं आर बी वन इक्वल बीटा आर ई डैश स्क्वायर प्लस टू आर ई डैश डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर ई। ठीक है, नेक्स्ट आर बी वन इक्वल बीटा, दोनों में से आर ई डैश अपन आउटवर्ड ले सकते हैं, अंदर क्या रह गया यहाँ पे आर ई डैश प्लस वहां क्या रह गया टू आर ई, ओके, डिवाइडेड बाई लोअर टर्म आर ई डैश प्लस आर ई। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब देखिए जब ऐसे एनालिसिस अपन ने पढ़ा था तो अपन क्या कहते थे कि इस आर ई डैश का मान इस आर ई की तुलना में क्या होता था, छोटा होता था। समझिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए थोड़ा सा और बने रहिए, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, देखिएगा बट जो आर ई डैश का मान होता है वो कम होता है किससे जी, आर ई से। ठीक है ना, आर ई था क्या, ट्रांजिस्टर की जगह अपन ने एक लिया था रेजिस्टेंस वो वाला था, और आर ई क्या था, दोनों नीचे वाले जो एमिटर टर्मिनल थे उनको ऐड करके हो जाता है कभी, उनको ऐड करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया था अपन ने आर ई वो वाला मान था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहां एक ये स्टेप लिखा हुआ है आर ई डैश प्लस टू आर ई, यहां ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई डैश बहुत कम है किसकी तुलना में आर ई, और आर ई खुद दो से मल्टीपल हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, आर ई डैश को यहां से अपन लेफ्ट कर सकते हैं, तो यहां वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी टू आर ई। नीचे वाली टर्म में आइए आर ई डैश, लेकिन आर ई जीरो नहीं होता, ठीक है ना, आर ई डैश प्लस आर ई, इसको इक्विवेलेंट क्या रख सकते हैं अपन आर ई। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ आर ई डैश भी तो है, लेकिन क्या कहा मैंने, ये जीरो नहीं होता बहुत कम, यदि इस आर ई डैश के साथ भी कोई फैक्टर होता किसका जी आर ई का, तो अपन जरूर इसको क्या लेते, ये वाला मान लेते, लेकिन इसके साथ कोई फैक्टर है नहीं, अकेला बैठे जीरो अपन रख नहीं सकते क्योंकि जीरो होगा नहीं।
ठीक है ना। आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे अपन, कुछ एक वैल्यू इनफाइनाइट होती है आइडियल कंडीशंस के लिए। दो सिस्टम होता है जब भी कोई डिवाइस पढ़ते हो तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो उसकी आइडियल कंडीशन होती है, दूसरा उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है कि प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है आइडियल में कैसे काम करता है। दोनों में वर्किंग का तरीका अलग रहता है। आइडियल अपन मान के चलते हैं, एक्चुअल में आइडियल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलो थोड़ा ये और समझो, तो यहां से क्या मिला अपने को, आर बी वन इक्वल टू बीटा आर ई डैश, ठीक है। इसकी जगह टू आर ई ले सकते हैं डिवाइडेड बाई नीचे वाले की जगह आर ई का आर ई में डिवाइडेशन दिया वन टाइम, आर बी वन इक्वल टू टू बीटा आर ई डैश। समझ पाए कि कैसे अपने आर बी वन का मान निकाला, जो काम आर बी वन के लिए किया है वही काम अपने को आर बी टू के लिए करना है। तो यहां क्या लिख सकते हो, दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस एट टी वन ट्रांजिस्टर इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आगे बात समझ, बहुत आराम आराम से अपन चल रहे हैं। अब सेकेंड वाला जब अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन सीख चुके कि किस प्रकार का कॉन्सेप्ट होना है। पूरा मैटर स्क्रीन पे है, इजीली आप अंडरस्टूड कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मीन्स अभी तक इनपुट का ही है, इनपुट का फर्स्ट पार्ट हुआ है, ठीक है, इनपुट का सेकेंड पार्ट बाकी है। अब जो कैलकुलेशन होगी वो टी टू ट्रांजिस्टर के लिए होगी, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। समय निकालना पड़ता है, और पूरा समझिए कि अपन कर क्या रहे हैं। अब देखिए, बोलने को तो यूं बोल सकते हैं कि आर ई डैश का मान कम है आर ई, लेकिन इसका इफेक्ट देखिए डेरिवेशन में कितना पड़ रहा है, ठीक है ना। फाइनल जो रिजल्ट अपने पास निकल के आ रहा है वो भी इसी की मदद से निकल के आ रहा है। नाउ वी कैन इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन एट टी टू ट्रांजिस्टर, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी वहां पे बता देती, उसी प्रकार से आपको चलना रहता है। देखिएगा, V इक्वल आई आर, नो प्रॉब्लम, R इक्वल टू वी अपोन आई, बट वी कैन कैलकुलेट टी टू ट्रांजिस्टर, तो अपने लिए R क्या है, R बी टू। समझ गए बात को, अपने लिए V क्या है, V इंटू डिवाइडेड बाई उस तरफ जो करंट है वो कौन सी फ्लो हो रही है जी, I बी वन, ओके। लेकिन क्या कहा था, यदि टू आ रहा है तो यहां क्या ले लो, वी इन बराबर जीरो ले लो, ठीक है। चलते हैं अपन थोड़ी स्पीड से, बट बीटा इक्वल आई ई अपोन आई बी, सो बीटा इक्वल आई ई वन अपोन आई बी वन, देन आई बी वन इक्वल आई ई वन अपोन, टेक इक्वेशन वन, टेक इक्वेशन टू, इक्वेशन टू पुट इन इक्वेशन वन, ओके। देन वी कैन कैलकुलेट आर बी टू इक्वल वी इन टू डिवाइडेड बाई आई ई वन डिवाइडेड बाई बीटा एट वी इन वन इक्वल जीरो, नो प्रॉब्लम, बीटा अपवर्ड आर बी टू बीटा वी इन टू डिवाइडेड बाई आई ई वन एट v in one equal, वापस वही कहानी, आई ई वन अपने पास निकल के आ रहा है, नहीं उस तरफ आई ई टू करंट आ रहा था, ठीक है ना। ये बी वन नहीं है, बी टू है, ये भी टू, आई ई टू हो जाएगा, ठीक है ना। बट वी नो दैट आई ई टू इक्वल
ऐसे वैल्यू थी वी वन आर ई माइनस वी टू आर ई डैश प्लस आर ई, ठीक है ना, प्रूव करवाई हुई है, निकाली हुई अपनी कि कैसे ये वैल्यू अपने को मिलती है, डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अपन ऊपर काम में लेने वाले हैं, लेकिन वापस वही तरीका है कि पहले अपने लिए लिखो, देन आई ई टू इक्वल वी वन की जगह अपन वी इन वन लेके चल रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड कर रहे हो ना पूरा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके अच्छा समझ आता रहे, ठीक है ना, पूरा माइंड आप यहाँ रखो। जैसे जैसे मैं स्टेप चल आगे से आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपका माइंड भी आगे से आगे चलना चाहिए कि क्या होने वाला है। वी इन वन आर ई माइनस वी इन टू आर ई डैश प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर। ओके, चलिए आगे। टेक इक्वेशन इक्वेशन फोर पुट इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर पुट इन इक्वेशन थ्री रख दीजिए। आर बी टू इक्वल बीटा वी इन टू डिवाइडेड बाई वी इन वन आर ई, ओके, माइनस वी इन टू आर ई डैश प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी एट वी इन वन इक्वल जीरो, वही कहानी ऊपर ट्रांसमिट कर दो। आर बी टू इक्वल बीटा वी इन टू मल्टीपल बाई आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इन वन आर ई माइनस वी इन टू आर ई डैश प्लस आर। ओके, फॉलो किया आपने पूरा। दिस विल बी एट वी इन वन इक्वल जीरो, इक्वेशन में जहां पे भी वी इन वन आए जीरो पुट अप कर दो। समटाइम्स वेट, देन वी कैन फाइंड आउट आर बी टू इक्वल बीटा वी इन टू आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर। ओके, वी इन वन जीरो पुट अप कर दिया, दिस विल बी जीरो माइनस वी इन टू आर ई डैश प्लस आर ई। कीजिएगा सॉल्यूशन, आर बी टू इक्वल, अब आप कर सकते हो ना v इन टू से जीरो का नो सेंस, v इन टू का डिवाइडेशन वन टाइम, तो बीटा आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश प्लस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेगेटिव साइन यहां ले सकते हैं आर ई डैश प्लस। नेक्स्ट टास्क क्या था, यहां से स्क्वायर खोल दो या a प्लस बी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर बी टू इक्वल बीटा आर ई स्क्वायर माइनस खोली आर ई डैश स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर प्लस टू आर ई डैश आर ई डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस, थोड़ा सोल्व आउट और कर लीजिए। आर बी टू इक्वल, अभी आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं आया है, ठीक है ना, इनपुट की बात नहीं हो रही है, तो बीटा आर ई स्क्वायर माइनस आर ई डैश स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर माइनस टू आर ई डैश आर ई डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर ई, दिस विल नेगेटिव साइन, ठीक है ना, हेयर नेगेटिव साइन प्रेजेंट, दिस विल बी कैंसिल आउट। समटाइम्स
आर बी टू इक्वल माइनस बीटा माइनस आर ई डैश स्क्वायर माइनस टू आर ई डैश आर ई डिवाइडेड बाई। मैं एक स्टेप में काम खत्म कर सकता था, लेकिन यदि अंडरस्टूड करने में आपके प्रॉब्लम होने लगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक स्टेप ज़्यादा लिख लेंगे, इससे ज़्यादा क्या है। आर बी टू इक्वल निगेटिव, यहाँ से मैं माइनस आर ई डैश बाहर ले सकता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, आर ई डैश प्लस टू आर, ओके, डिवाइडेड बाई हेयर आर ई डैश प्लस नेगेटिव, नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, मीन्स बीटा आर ई डैश आर ई डैश प्लस टू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर ई, ठीक है। यहां वापस वही कहानी, बट आर ई डैश लेस देन टू आर, देन आर ई डैश प्लस टू आर ई, इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, क्या रिजल्ट आ गया, टू आर ई, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली हेयर आर ई डैश आर ई इक्वलेंट रिजल्ट टू आर ई, नो प्रॉब्लम, इजिली हो गया। अच्छा, वही क्वेश्चन है सर इसके जगह क्यों नहीं किया, हाँ इसके साथ भी ऐसी टर्म होती तो करते, लेकिन ये पूरा जीरो नहीं होता है, तब अपन इसके साथ नहीं कर रहे, जो अपन ने मेजर किया है वो वाला मेजरमेंट अप्लाई कर दीजिए। ओके, आर बी टू इक्वल बीटा आर ई डैश डॉट टू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई, दिस विल बी वन टाइम्स डिवाइडेशन, दैट मीन्स आर बी टू इक्वल टू बीटा आर ई, दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस एट ट्रांजिस्टर टी टू। अच्छा जी, अब मेजर कीजिए आप, मैंने क्या कहा था कि इनपुट रेजिस्टेंस जो अपन लेते हैं वो लाइक एज इक्वेलेंट बराबर लेते हैं, तभी मैंने ये वाला इक्वेशन रफ नहीं किया, दोनों का आप कंपेयर कर सकते हो कि टी वन ट्रांजिस्टर को इनपुट दो चाहे टी टू ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू क्या रहनी है, सेम रहनी है। मीन्स आगे से आपका ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बजाय अपन यदि सेकंड ट्रांजिस्टर को इनपुट दे दे तो उसके इनपुट वोल्ट मीन्स इनपुट जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने है कि कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, दोनों का मान क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अच्छा जी, दो टास्क अपन ने कंप्लीट किए कि इनपुट रेजिस्टेंस दो टाइप का था, अपन ने कैलकुलेट किया, अब अपने पास टास्क क्या रह गया कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। बहुत सिंपल है, आउटपुट रेजिस्टेंस में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता कि जो भी कलेक्टर टर्मिनल है उस कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर आप आउटपुट फाइंड आउट करते हो, तो वहां का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ओनली फॉर लैंग्वेज, थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये काम अपना ही है। आगे से कोई भी कहे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज, तो अगले को कहना आपको जहां लेना है वहां पे आप ले लीजिए, दोनों का मान क्या रहना है, बराबर रहना, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन अपन ने किया है और इक्वल अपने पास निकल के आया। नेक्स्ट टास्क पे अपन चलते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा देखिए, बिना सर्किट डायग्राम कुछ नहीं होने वाला होता है। ट्रांजिस्टर था T1, ट्रांजिस्टर था T2, यहां पे रेजिस्टेंस लगा था जिसको RC बोल रहे थे, और यहां पे लगा हुआ था उसको भी अपन RC बोल रहे थे, ठीक है। अपन ये मेजर कर लेते हैं, मान लो ये C1 और C2 होता, ठीक है ना, दो अलग अलग मान है, और यहां अपने को क्या निकालना होता है, आउटपुट V0 निकालना होता, बस इतना V0 निकालना होता है। लेकिन इस बार अपने पास टास्क क्या है कि यहां पर R0 का मान कितना है, तो देखिए यहां V अगर अपन निकालते हैं तो I इंटू क्या रहेगा, यहां कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो साथ में रेजिस्टेंस
आर, आर रेजिस्टेंस कौन सा है, आर सी वन ले लो चाहे क्या ले लो, आर सी टू ले लो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आपको आउटपुट चाहिए तो यहां पर जो लगी हुई रेजिस्टेंस होगी उनके इक्वल ही क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मीन्स क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वलेंट टू कलेक्टर रेजिस्टेंस। समझ पाए आप इस बात को, मीन्स यदि आउटपुट आपको ढूंढना है तो आर सी वन ले लो चाहे आर सी टू ले लो, अलग से कोई कैलकुलेशन इसकी नहीं होती है। ठीक है ना, सिर्फ इतना पता लगाया जाता है आउटपुट आप यहां ले रहे हो तो जिस रेजिस्टेंस के सहारे ले रहे हो वो लाइक एज आउटपुट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और अपन किसके सहारे ले रहे हैं, आर सी वन के सहारे या आर सी टू के सहारे या दोनों के बीच में, मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस का मान वही होगा जो किसका मान है, कलेक्टर टर्मिनल टर्मिनल पर लगी हुई रेजिस्टेंस का। बखूबी अपन ने पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट किया है। हाँ, टास्क अपने लिए था, अपन ने कंप्लीट किया, और एक टास्क के बाद दूसरा टास्क जब अपन कंप्लीट करते हुए चलते हैं तो धीरे धीरे सिलेबस को भी कवर करते हैं और अच्छा अपने समझ भी आने लगता है। देखिए इस डेरिवेशन में उनके दिक्कत होगी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि वहां पे अपन ने निकाल लिया था इससे एनालिसिस द्वारा कि IE1 क्या होना है और IE2 क्या होना। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, अगर जुड़े हो तो कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको परेशान करेगा, और लेक्चर्स देख रहे हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अपन मैटर पढ़ रहे हैं उनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है ना, आप वहाँ पर जाइए और नोट्स लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ होती है और लिखना अलग चीज़ होती है। आप लिख तभी पाते हो जब आपके पास मैटर है, समझ सकते हो आपकी कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो रिक्वेस्ट यू, यू टेक ऑल नोट्स, ठीक है, और लेक्चर देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक है तो इससे भी शानदार लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।